दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर की इस तस्वीरों में और यहाँ जो मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटर बॉक्स देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, हम चेतला अग्रामी में है, कोलकाता की सबसे बड़ी पूजाओं में से एक। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को अष्टमी की, जो महाअष्टमी की, उसकी शुभकामना देना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि चेतला अग्रामी की इस बार की जो थीम रही है वो थीम है ओल्ड इज़ गोल्ड। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ के जो सबसे प्रमुख कवि थे, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक पंक्ति थी, कोलकाता चोलीचे नोड़ते नोड़ते, जिसका अर्थ होता है द कलकत्ता इज़ गोज ऑन, वो उसी पे बेस्ड है। जहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारे जो 90 के दशकों में यहाँ पे जिस तरीके से हम ये लेटर बॉक्स को यूज़ करते थे, और देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से रिक्शा पड़ी हुई है, यहाँ पे जो विंटेज कार्स है, जिसके अभी आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे, जहाँ पे आपको जो बंगाल की विरासत है, आप बंगाल की उस विरासत को देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल उन 9वीं दशक से लेके आज जो 21वीं शताब्दी तक पहुंचा है, और जिस तरीके से आज डिजिटल मीडिया ने हमारे इस लेटर बॉक्स को हमसे छीना है, उनकी भी एक प्रतिकृति यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं विजय जी से कहूँगा कि वो दिखाए यहाँ पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे वो जो माउस लगे हुए हैं, वो माउस बता रहे हैं कि ये जो पहले जिस तरीके से यहाँ पे पहले चिट्ठियाँ हम अपने जो रिलेटिव्स होते थे, हमारे जो सगे संबंधी होते थे, पहले हम उन्हें लेटर भेजते थे, आज लेकिन जिस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक चूहों ने उनकी जगह ले ली है, उनके कारण से आज वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज ये लेटर बॉक्स अस्तित्व से चला गया है। लेकिन यहाँ चेतला ग्रामी ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि बंगाल की जो विरासत रही है, बंगाल का जो इतिहास रहा है, उसको सजोने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रिक्शे में, आप इस रिक्शे के द्वारा, पहले इसी रिक्शे के द्वारा ही यहाँ पे जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध माँ काली है, उन काली मंदिर में जाया जाता था। इस रिक्शे में उसी माँ काली की प्रतिकृति को झलकाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो विंटेज कार है, पहले इसी तरीके के कार्स में यहाँ के जो बड़े बंगाली जो यहाँ पे बाबू लोग होते थे वो चला करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक चूहों ने जिस तरीके से उन पे वो राज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक चूहे को बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वो जो यहाँ के जो लेटर बॉक्स है उनका आज अस्तित्व ख़त्म हो चुका लगभग, इस इलेक्ट्रॉनिक चूहों ने उनको उनकी जगह ले ली है, उन्हें दिखाने का प्रयास किया गया है। और भारतीय डाक जिस तरीके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंगाल की विरासत रही है, आप वो भी यहाँ पे इस बड़ी सी मूर्ति में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहले हमारे 90 के दशकों में जिस तरीके से ऐसी LP चला करती थी, और किस तरीके से यहाँ पे जो कैसेट देख रहे हैं, उनके बाद जो 90 के बाद के दशक थे वहाँ पे कैसेट आया, लेकिन आज इस डिजिटल युग में आज जिस तरीके से ये पूरी तरीके से जो गायब हो चुके हैं, आप इस टाइपराइटर को देख के आप याद कर सकते हो सकते हैं कि आपके भी बाऊजी या दादाजी इस तरीके का टाइपराइटर को यूज़ किया होगा। दोस्तों, इस लंटेन को कौन भूल सकता है, भले ही आज हमें 24 घंटे बिजली मिल रही हो, लेकिन ये लंटेन हमें याद दिलाती है हमारे उस आधुनिक युग की कहानी की कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी पुरानी चीज़ें, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये देश आगे बढ़ रहा है। आप वो घड़ी भी देख सकते हो यहाँ पे, ऊपर में घड़ी के पेंडुलम को लगाया गया कि भले ही समय बदल, जिस दशक ने उसके सभी दर्शकों को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी हम चेतला ग्रामी में हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से बंगाल की जो संस्कृति, इतिहास और बंगाल के जो पुराने इतिहास और नए इतिहास को सजो कर ये जो पंडाल बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि माँ की जो प्रतिमा है, इसे अनिर्बन दास ने इस बार बनाया है। ये इतनी खूबसूरत प्रतिमा जो है आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है बंगाल की जो संस्कृति है उन्हें, आप देख सकते हैं कि लगातार भीड़ बढ़ रही है। दोपहर के समय होने के बावजूद भी यहाँ पे लगातार लोगों की भीड़ है और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ से जो पूजा कमेटी के लोग हैं उनसे बात हुई है, उनका मानना था कि अगले साल यहाँ पे लगभग यहाँ पे 22 लाख लोगों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन किया था। इस बार उन्हें आशा है कि जिस तरीके से उसने पंडाल को एक नया फ्लेवर देने का जो प्रयास किया है और बंगाली जो कल्चर और इतिहास को दिखाने का प्रयास किया, लगभग उन्हें लगता है ऐसा कि लगभग 25 लाख लोग यहाँ पे आएंगे और माता की प्रतिमा का दर्शन करेंगे।